हेलो गाइज, आपका स्वागत है मेरी एक और नई वीडियो के अंदर। तो आज आपको सिखाऊंगा स्नैपसीड एप्लीकेशन की मदद से आप फेस स्मूथ ऑयल पेंट फोटो एडिटिंग कैसे कर सकते हो। तो इस वीडियो को आपको पूरा एंड तक वॉच करना। आप देख सकते हो स्क्रीन पे फोटो कितने अच्छे तरीके से साफ करा है, हेयर को भी बिल्कुल अच्छे तरीके से यहाँ पर एडिट करा है और फेस को स्मूथ भी करा है। तो वीडियो अच्छी लगे तो एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन जरूर प्रेस कर देना। चलिए बिना देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले स्नैपसीड एप्लीकेशन को ओपन करेंगे, फोटो को यहाँ पर ऐड कर लेना है और अब आपको यहां से पेंसिल आइकन पे क्लिक कर देना है और क्लिक करने बाद आपको ट्विन इमेज पे क्लिक करके ब्राइटनेस को आपको यहां पर 35% के करीब रख देना है। कंट्रास्ट आपको मिल जाएगा 10%, इसको आपको यहां पर रख देना है। अब आपको सैचुरेशन मिलेगा तो सैचुरेशन को यहां पर आपको माइनस कर देना 30%। अब आपको एम्बियंस मिल जाएगा तो एम्बियंस को प्लस में हम 60% रख देते हैं। इसके बाद आपको हाईलाइट मिल जाएगा, हाईलाइट को 20% आपको यहां से माइनस कर देना है। अब आपको शैडो मिल जाएगा तो शैडो को आपको यहाँ पर 15% रख देना है। इतना रखने के बाद आपको राइट पे क्लिक कर देना है। अब आपको यहाँ पर दोबारा से पेंसिल वाले आइकन पे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आप देख सकते हो एक आपको यहाँ पर डिटेल्स का ऑप्शन मिल जाएगा, इस पर आपको क्लिक करके स्ट्रक्चर को आपको यहाँ पर माइनस कर देना है 20% और यहाँ से आपको शार्पनिंग को प्लस में कर देना है 25%। इतना करने के बाद आपको यहाँ से राइट पे क्लिक कर देना है। बिफोर एंड आफ्टर आप फोटो देख सकते हो, पहले से हमारा फोटो बिल्कुल अच्छे तरीके से हो गया है। अब आपको पेंसिल आइकन पे दोबारा से क्लिक कर देना है और क्लिक करने बाद आप देख सकते हो यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन आपको टूल के मिलेंगे। तो आपको इनमें से देख सकते हो एक पोर्ट्रेट का एक ऑप्शन आप देख रहे हो स्क्रीन पे, तो इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने बाद आपको स्मूथ टू को आपको सेलेक्ट कर देना है यहाँ से और यहाँ से स्किन स्मूथनिंग को आपको 100% कर देना है। आई क्लैरिटी को आपको यहाँ से 20% के करीब रख देना है और अब आपको यहां से राइट पे क्लिक कर देना है। अब आपको क्या करना है, पेंसिल आइकन पे दोबारा से क्लिक कर देना है। अब आपको यहां पर एक ब्रश का आइकन मिलेगा, उस पर आपको क्लिक कर देना है। आपको यहां से सैचुरेशन वाला ब्रश सेलेक्ट कर देना है। फोटो को आपको यहां से जूम करना है और अपने लिप्स पे आपको ब्रश को अब चला देना है। इतना करने के बाद आपको यहां से राइट पे क्लिक कर देना है। अब आपको क्या करना है, यहां से शेयर वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। क्लिक करने बाद आपको यहां से चले जाना मोर ऑप्शन पे और यहां से इसको पिक्सआर्ट एप्लीकेशन में शेयर कर देना है। पिक्सआर्ट एप्लीकेशन टेलीग्राम पे मिल जाएगी, डिस्क्रिप्शन में जाके डाउनलोड जरूर कर लेना है। हमारा फोटो यहां पर ऐड हो गया है। अब आपको क्या करना है, यहां से इफेक्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। इफेक्ट करने के बाद यहां से आपको क्या करना है, कलर्स पे जाना है और कलर स्प्लैश यहां से सिलेक्ट करके अपने फेस का जो डार्क पार्ट है वहां पर इसको लगा देना है। आप देख सकते हो मार्कर को लगा देना है यहां पे और इसके बाद जो इसका मैक्स व्यू आप देख सकते हो स्क्रीन पे, उसको आपको यहां से कम करना है। तो यहां पर मैं इसको कम कर लेता हूं। आपके फेस पे ये ब्लैक वाला इफेक्ट नहीं आनी चाहिए, आपके बैकग्राउंड में इसको आपको रखना है। तो मैंने यहां पर 22% के करीब कुछ रख दिया इसको इफेक्ट के और यहां से जो इसका मीन व्यू है मैंने 100% कर दिया और राइट पे आपको यहां से क्लिक कर देना है। बिफोर एंड आफ्टर फोटो आप देख सकते हो आप, और फोटो को अगर आपको HD करना है तो टूल पे क्लिक करना होगा। यहाँ से आपको AI इनहेंस का एक ऑप्शन मिलेगा, उस पर आपको क्लिक कर देना है और यहाँ पर आपको थोड़ा सा वेट कर लेना, आपका फोटो यहाँ पर HD में हो जाएगा। अगर आपको फुल ट्यूटोरियल चाहिए इसके ऊपर तो डिस्क्रिप्शन में आपको वीडियो मिल जाएगा, आप जाके वीडियो देख लेना है, अच्छे तरीके से आप एडिटिंग यहाँ पर सीख जाओगे। इतना करने के बाद आपको राइट पे क्लिक कर देना है। जो एप्लीकेशन में यूज़ करिए टेलीग्राम पे आपको दे दिया, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके आपको देख लेना है। वीडियो अच्छी लगी तो एक दोस्तों को अपने शेयर कर देना है और लाइक कर देना वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कर देना है और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देना। फोटो बिल्कुल HDR के अंदर ही हमने कर लिया और HD में सेव करने के लिए आपको ड्रॉ पे क्लिक कर देना है और यहाँ से आपको 3 डॉट का एक ऑप्शन मिल जाएगा, उस पर क्लिक करके फोटो को यहाँ से सेव कर देना है।